स्टूडेंट्स असलकम टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट योर कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड इन्फॉमेसन जैसे कि आप जानते हैं कि अकाउंटेंट कंपनी की तमाम राज और इन्फॉर्मेशन का अमीन होता है और इसके पास से कोई इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिए पुराने ज़माने में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लॉक इन कीमें रखी जाती थी लेकिन आज आजकल कंप्यूटराइज ज़माने में ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे मौजूद है और जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो आपको पता है कि हमारे इन्वामेंट में बहुत सारे लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पर किसी भी कंपनी में मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में एक से ज़्यादा लोग आपके कंप्यूटर से एक्सेस करके इन्फॉमेसन देख सकते हैं रिपोर्टें बना सकते हैं और डेटा एंट्री कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जब भी हम क्विक बुक्स की बात करेंगे तो आप याद रखें कि हमारा सिस्टम एडमिन वो बंदा होगा वो शख्सियत ये पॉइंट होगा जो आपकी तमाम डेटा को इंश्योर करेगा कि ये सिक्योर है और इसका बैकअप मौजूद है इसी सिलसिले में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी इन्फॉमेसन जो हमारे कस्टमर्स हमें देते हैं वो बड़ी कॉन्फ़िडेंशियल होती है और वो इन्फॉर्मेसन हमें कॉन्फिडेंशल तरीके से रखनी चाहिए सिक्योर तरीके से रखनी चाहिए और उसे बचाना चाहिए तमाम गैर ज़रूरी यूज़र से यह इंफॉर्मेशन एज एंड वन रिक्वायर्ड यूज़ की जाती है इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन में क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है और अगर ये गलत हाथों में आ जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है लेकिन हमें आजकल के इलेक्ट्रॉनिक दौर, दौर में ये इंश्योर करना है कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ केप्ट सेफ एंड सिक्योर एंड इज़ नॉट लॉस्ट और गिवन टू एनी वन एल्स क्विक बुक्स अपने पास इसके लिए आपको बहुत सारे तरीक़ेकार फम करता है जिससे आप इसके अंदर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोटेक्शन याद रहे कि मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में ये प्रोटेक्शन हमारे तमाम यूज़र्स के ऊपर लागू होगी सिवाय सिवाय यूज़र एडमिन के यूज़र एडमिन वो शख्स है जिसके पास किसी भी सिस्टम के तमाम राइट्स होते हैं वो एक यूज़र क्रिएट भी कर सकता है वो डिलीट भी कर सकता है और वो उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देख भी सकता है आम तौर पे ये वो शख्स होता है जो कि बहुत रिलायबल हो और कंपनी इसके ऊपर रिलाई करती है कि ये कोई ऐसी बात या हरकत नहीं करेगा जिससे हमारे कस्टमर का या क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लूज़ हो और इसी सिलसिले में ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने सिस्टम एडमिन पे डालते हैं जो सिस्टम आजकल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ क्विक बुक्स का वो एक मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में भी चल सकता है लेकिन आप एज ए यूज़र इसे, इसे इस्तेमाल करेंगे भले आप एडमिन ना भी हो, लेकिन आपको आना चाहिए कि जब भी आप एडमिन बने तो किस तरह से इंश्योर करें कि इस यूज़र की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशली रहे आइए चलते हैं हम क्विक बुक्स की तरफ और देखते हैं कि ये क्विक बुक्स में किस तरीके से इनवोक और एनेबल की जाती है हम सबसे पहले एक अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन क्विक बुक्स में सेव करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्रोडक्शन इन्वोक करेंगे सबसे पहले हजब आदत हम कस्टमर सेंटर को क्लिक करके कस्टमर लिस्ट के तरफ जाएंगे यहाँ हमारे एक पहले से यूज़र मौजूद हैं हम उनके ऊपर ये काम करके देखते हैं अब आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जब आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक नीचे वाला पोर्शन दिया गया है जिसमें पूरी डिटेल है क्रेडिट कार्ड की हमारे कस्टमर की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कॉन्फिडेंशियल है और हम नहीं चाहते कि हमारे एडमिन के अलावा और कोई भी यूज़र इसको इस्तेमाल करे ये कम्प्लीटली फिल्ड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ रखी हुई है इसको हम ओके okay करेंगे तो इसका मतलब है कि यह इन्फॉर्मेशन सेफ हो जाएगी लेटर ऑन भी अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर क्या वो आपको इन्फॉर्म करे कि मेरे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है आपको ज़रूरत ही नहीं है कि उस कस्टमर की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जाकर चेक करें ओके okay करेंगे तो इसकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी नाउ वी हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कस्टमर क्रेडिट कार्ड विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल बट एट प्रेजेंट इट इज़ विजिबल टू ऑल यूजर्स अभी तक हमने इसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं लगाई प्रोटेक्शन लगाने का तरीका आप मेन्यू बार पे देखें एक आइटम है उसका नाम है कंपनी जैसे ही आप कंपनी को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मेन्यू में कस्टमर क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन का टैब नज़र आएगा क्लिक ऑन दैट और ये अब आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इनेबल प्रोटेक्शन याद रहे कि ये क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसमें हम एज एन एडमिन काम कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है लेकिन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में आपके पास अगर आप एडमिन नहीं हैं तो ये स्क्रीन नहीं आएगी और आपके पास इनेबल्ड नहीं होगी सिर्फ इसके असरात आपको नजर आएंगे इन दिस केस सिंस वी आर वर्किंग इन अ सिंगल यूजर इन्वायरमेंट वी आर सेल्फ आर द एडमिन सिर्फ इस वजह से हमारी स्क्रीन पे ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं और इनेबल्ड हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब आपसे ये दो या तीन सवालत कर रहा है बट वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इनेबल प्रोटेक्शन फॉर क्रेडिट कार्ड जैसे ही हमने उसको क्लिक किया वो हमसे पूछता है कि आप इसके लिए एक पासवर्ड रखें उसे कन्फर्म करें और एक सवाल रखें सीक्रेट क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ आपको पता हो ये तमाम लवाजमात इसलिए हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि वंस अगेन आई एम एम्फोसाइजिंग दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपके कस्टमर या क्लाइंट की और गलत हाथों में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है उसने हमें ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी है ताकि हम उसकी पेमेंट्स इसके थ्रू प्रोसेस कर सकें बाहर के ममालिक में ये बड़ा आम है अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखते होंगे कोई भी चीज़ अगर आपने रजिस्टर करके इस्तेमाल करनी है जो कि पेड है तो वह आपसे पूछता है कि आप ऐसा करें कि मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे दें और उसे वो प्रोटेक्ट भी करता है इसी तरह से हमारा क्विक बुक्स भी आपकी क्रेडिट कार्ड की तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास प्रोटेक्टेड मोड में रखता है और किसी गैर ज़रूरी गैर मुतल यूज़र को नहीं दिखाता आपको चाहिए कि पासवर्ड भी आप इसके लिए अच्छा खासा मुश्किल बनाएं और इसका क्वेश्चन भी एक ऐसा बनाएं जिसका आंसर सिर्फ आपको पता हो आपसे मेरा मतलब है कि एडमिन को ये जनरल लोगों के लिए नहीं है आइए हम इधर एक पासवर्ड देते हैं और ये यहाँ इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए सामने रखे हुए हैं जो भी आप चाहें उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये काम आप अपनी कंपटिशन तक ले जा सकते हैं मैंने जो सवाल चूज किया है वो है नेम ऑफ योर हाई स्कूल अब इसका आंसर सिर्फ मुझे पता है जब तक कि आप इसके लिए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं देंगे यह आपको प्रॉम्प्ट करता रहेगा कि आपका पासवर्ड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होना चाहिए लेट सी इफ दिस वर्क्स। अब क्विक बुक्स आपको बता रहा है कि दे यू हैव एनेबल्ड सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्शन इन क्विक बुक्स और इसके लिए आपको क्या क्या करना है आपने ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर पढ़ लें यह आपको बता रहा है कि ये नबे दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा क्यों एक्सपायर हो जाएगा इसलिए ताकि आप इसे बेहतर और तब्दील करते रहें एक ही पासवर्ड रखने से सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि किसी को भी अगर ये अंदाज़ा है कि आप किस कस्म के पासवर्ड रखते हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर क्या है तो ये हैक हो सकता है इसने आपके ऊपर यह कंपल्शन डाल दी है कि ना दिन के अंदर अंदर आप इसको दोबारा से तब्दील करेंगे आप इसके प्रोटेक्शन इनेबल करने वाली जो पूरी एक रिक्वायरमेंट्स है वो पढ़ने के बाद आप इसे ओके okay करें व्हेन यू प्रेस ओके बटन टू इनेबल क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन द प्रोसेस इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ अ टाइम और आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी जैसी प्रोटेक्शन इन्वोक हो जाएगी तो आपके पास स्क्रीन वापस आ जाएगी नाउ लेट्स गो एंड अ लुक वेदर द प्रोटेक्शन हैज़ बीन इवोक्ड और नॉट अब आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के सिर्फ आखिरी चार डिजिट हमें नज़र आ रहे हैं और बाकी तमाम डिजिट्स स्टार हो गए हैं इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड का नंबर इज़ नो मोर विजिबल टू एनी यूज़र इसको हम डिसेबल कर सकते हैं ओनली इफ एंड ओनली इफ वी आर द एडमिन ये मैं आपको बार बार याद दहानी करा रहा हूँ याद रहे ये काम एडमिन ने करना है और एडमिन ने इसे अनेबल करना है और एज इन वेन रिक्वायर्ड इसे डिसेबल करना है जब इनेबल हो जाएगा तो एडमिन भी ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकेगा सो टू सम अप नाउ वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑफ आर कस्टमर्स एंड हाउ टू डिसेबल दैट प्रोटेक्शन एज एंड वेन रिक्वायर्ड वैन यू इनेबल दिस प्रोटेक्शन इवन द एडमिन इज़ नॉट एबल टू सी द इन्फॉर्मेसन याद रहे कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही इसको इनेबल कर सकता है और डिसेबल कर सकता है और जब ये इनेबल्ड होती है तो आपका एडमिन भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता इसकी ज़रूरत मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में पड़ती है और बहुत ज़रूरी है कि आप बग़ैर मजीद टाइम वेस्ट किए ये प्रोटेक्शन Zurur enable to protect this confidential data that you get from your customers. Thank you. That's all for today.